मेरा आज का विषय है हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण। इस विषय के अंतर्गत शब्द पर विचार किया जाएगा और विभिन्न व्याकरणिक कोटियाँ जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब के भेदों की भी बात की जाएगी। सबसे पहले हम शब्द को लेते हैं। शब्द के लिए वैसे और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग में आते हैं, जैसे ध्वनि है, आवाज़, लफ्ज, वर्ड। और कई बार जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम अपने अतिथि के लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि उत्साहवर्धन के लिए दो शब्द कह दीजिए या कहना, इस तरह का भी प्रयोग हम करते हैं। शब्द का सामान्य अर्थ जो है वो ध्वनि है, और ध्वनि का मतलब केवल शोर नहीं, बल्कि ध्वनि का मतलब होता है जब हम अपने मुख से कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं और वो भाषा का अंग भी हो, तो उसे उस ध्वनि को हम शब्द के रूप में लेते हैं। और इसे वर्ण भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण अ क ख ग, ये सारे वर्ण हैं, और जब ये एक साथ एक समूह में एक शब्द का निर्माण करते हैं, और वो भी ऐसा शब्द जो सार्थक हो, उसे शब्द कहते हैं। इसके साथ साथ अन्य दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण या अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है। आज का मेरा विषय है हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण। इस विषय के अंतर्गत शब्द पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी अन्य व्याकरणिक कोटियां हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के भेदों की पर भी बात की जाएगी। सबसे पहले हम शब्द के अर्थ को लेते हैं। शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ध्वनि, आवाज़, लफ्ज, वर्ड। और कई बार जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम अपने अतिथि को भी कह देते हैं कि उत्साहवर्धन हेतु दो शब्द कह दीजिए, तो इस रूप में भी प्रयोग होता है। शब्द का सामान्य अर्थ ध्वनि से है, और ध्वनि यानी जो हमारे मानव मुख से निःसृत हो, उच्चरित हो, और जो भाषा का अंग भी हो, इसे हम वर्ण भी कहते हैं, जैसे क ख ग, ये सभी वर्ण हैं, अक्षर हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का समूह हो, क ख ये सब मिलकर कोई एक समूह बनाए जिसका कोई अर्थ भी निकले, उसे शब्द कहते हैं। अथवा वर्ण या अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है, जैसे मकान, मोहन, लड़का आदि। निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता, तो उस पर बात नहीं की जाती व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में भी शब्द को अलग अलग तरह से इस पर बात हुई है, और जहाँ तक शब्द की व्युत्पत्ति की बात है तो यह शप या शब्द धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है, और जिसका अर्थ होता है शब्द करना, ध्वनि करना या बोलना। वर्ण और शब्द, यानी कई बार वर्ण भी जैसे आ जा, वर्ण भी ऐसे होते हैं जो सार्थक होते हैं और वो शब्द का रूप ले लेते हैं और शब्द की तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि सार्थक या क्रमबद्ध वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे पहले वाक्य, वाक्य से छोटा फिर पद, पद से छोटा शब्द, शब्द से छोटा ध्वनि, और ध्वनि से स्वन। अब उल्टे क्रम में देखें तो स्वन से ध्वनि का निर्माण होता है, ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनता है। और क्योंकि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वो कोई व्याकरणिक कार्य करता है, तब वह पद बन जाता है, और पद से फिर वाक्य, वाक्यों से फिर अनुच्छेद, और अनुच्छेदों से फिर पाठ, और पाठ से फिर एक पुस्तक बन जाती है। तो इस तरह से भाषा में ये इकाइयां काम करती हैं। अब बात आती है शब्द की परिभाषाओं की। सबसे पहले भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं लेते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द की परिभाषा देते हुए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, छोटा, धीरे आदि।
आज मुझे क्या सूझी है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इस वाक्य में पांच शब्द हैं। आज एक, मुझे दो, क्या तीन, सूझी चार और है पांच, यानी पांच शब्द हैं इस वाक्य में। भोलानाथ तिवारी, जो कि हिंदी भाषा विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनके अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। शब्द का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब हम उसके रूप में परिवर्तन करते हैं। इसलिए भोलानाथ तिवारी यह मानते हैं कि शब्द पर ही पद आधारित होते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वह स्वतंत्र, व्यक्त और सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक वर्णों के सहयोग से कंठ और तालु आदि के द्वारा उत्पन्न हो और जिससे सुनने वाले को किसी पदार्थ, कार्य या भाव आदि का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। ये हिंदी शब्द सागर उनका ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, उन्होंने लिखा है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से शब्द है, यानी शब्द सार्थक होता है और जो सबसे पहली इकाई है उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वो ध्वनि है, क्योंकि जब ध्वनियां जो होती हैं, जब वो लिखित रूप में आती हैं वर्ण के रूप में, तब वो आगे चलकर जब उन समूह में आते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। पतंजलि के अनुसार शब्द श्रोतेंद्रिय से उपलब्ध, यानी हम अपने कानों से जो सुनते हैं, बुद्धि ग्राह्य यानी अपनी बुद्धि से जो ग्रहण करते हैं, और प्रयोग से स्फुरित होने वाले, स्फुरित होता है जो स्थिर न हो, होने वाली आकाश व्यापी ध्वनि है। इन्होंने आगे लिखा है कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द है, अर्थात वह ध्वनि जिससे व्यवहार या लोक में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, ये भी हिंदी में भाषा विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, जिन्होंने भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार पर भी काफी लिखा है, अध्ययन किया है। इनके अनुसार शब्द है क्या? प्रश्न का वहां संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इसका एक प्रमुख कारण है शब्द का अपने अर्थ और प्रकार में बहुआयामी होना। अब बात आती है पाश्चात्य विद्वानों की। इनके अनुसार सबसे पहले पामर के अनुसार, मैंने यहाँ अंग्रेजी में भी लिख दिया है और हिंदी में भी उसका अनुवाद किया है, ऐसी भाषिक लघुतम इकाई जो एक पूर्ण उच्चार के रूप में कार्य कर सके। उलमान के अनुसार शब्द भाषा की लघुतम महत्वपूर्ण इकाई है, और मैलेट के अनुसार शब्द अर्थ और ध्वनि का वह योग है जिसका व्याकरणिक प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द किसका योग है? अर्थ और ध्वनि का, और जिसका व्याकरणिक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने लिखा है कि शब्द वाक्य में लघुतम स्वतंत्र इकाई है। तो इस प्रकार से इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात अगर हम शब्द को कहें कि क्या है, तो कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। अथवा या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे हम, घर, गाय, रोटी आदि। कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। वस्तुतः सार्थक मूल स्वर ही शब्द हैं जिसके द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया आदि का बोध कराया जाए। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार शब्द एक बहुआयामी भाषाई इकाई है, यानी उसके अनेक आयाम हैं और इसलिए उस पर विचार करने के लिए तीन निश्चित संदर्भ दिखाई पड़ते हैं। पहला संदर्भ है शब्दकोश का, यानी शब्दकोश में शब्द का क्या-क्या अर्थ दिया गया है। दूसरा संदर्भ है व्याकरण का, यानी व्याकरण के स्तर पर शब्द किस तरह से काम करता है और वो क्या अर्थ देता है। तीसरा संदर्भ अभिव्यक्ति का है कि अभिव्यक्ति के रूप में शब्द का अध्ययन कैसे किया जाता है या वो किस तरह से हम उसको लेते हैं। शब्द और संस्कृत में प्रातिपदिक या प्रकृति जिसे हम कहते हैं, तो शब्द का मतलब है बिना मिलावट वाला रूप, अर्थात
उसमें कुछ भी ना मिला हो, जैसे संबंध तत्व होते हैं, नेको से परसर्ग भी होते हैं, यानी इनके बिना। तो जब इनके बिना जो शब्द होता है, बिना मिलावट वाला रूप, जैसे मनुष्य है, घर है, सुंदर है, अर्थात सार्थक मूल शब्द या प्रकृति जिसमें प्रत्यय जोड़ा जा सके, यानी इनमें हम प्रत्यय जोड़कर फिर और भी शब्द बना सकते हैं। और पद होता है मिलावट वाला रूप, यानी कारक, लिंग, पुरुष, काल आदि बताने वाले अंश को लगाकर हम शब्द बनाते हैं, जैसे लड़के, उसमें तो ये पद हो जाते हैं। शब्द के भेद, प्रकार या वर्गीकरण का क्या आधार है, उसके कौन से मुख्य आधार हैं जिसके आधार पर हम शब्दों के भेद करते हैं? तो सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों के भेद करते हैं, प्रकार करते हैं। तो इस आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। व्याकरण या प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। इस प्रकार से हम इसको शब्द के प्रकार करते हैं। सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला भेद है रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, ये शब्द अखंडनीय होते हैं, यानी इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में एक मूल शब्द रहता है जिसके आगे पीछे सार्थक शब्दांश जुड़ा रहता है, जैसे राष्ट्रपति है, विद्यालय है, प्रतीक है, हिमालय है। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। योग रूढ़ शब्द, ये दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन दोनों शब्द अपना अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे पंकज है, तो पंकज यानी पंक जमा जय, शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, विशेष अर्थ है कमल। इसी तरह से दशानन है, जिसका अर्थ रावण होता है, गजमुख यानी गणेश, और नीलकंठ शिव। तो इस तरह से रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, पहला भेद है तत्सम शब्द, ये संस्कृत के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं, पुष्प, कार्य, रात्रि, कृष्ण, ये तत्सम शब्द हैं। नंबर दो तद्भव शब्द, जिनको हम हिंदी के शब्द कहते हैं, सूरज, काम, हाथ, कान, ये संस्कृत के शब्दों से बने होते हैं जो कि हिंदी के शब्द कहलाते हैं, सूर्य से सूरज और कार्य से काम। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। नंबर तीन देशज या देशी, जो हमारे आंचलिक शब्द भी इनको कह सकते हैं, जैसे पेड़ है, जिनके स्रोत का हमें पता नहीं होता, पेड़ है, खिड़की, लोटा, थैला, खटखट आदि। विदेशी शब्द भी बहुत प्रयोग होते हैं हिंदी में, जैसे स्कूल अंग्रेजी का है, आराम फारसी का है, कुर्ता तुर्की का, कमीज पुर्तगाली, चाय चीनी शब्द यानी चीनी भाषा का शब्द है चाय, और रिक्शा जापानी भाषा का है। इसी तरह से संकर शब्द हैं, आंसू गैस, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का शब्द है, जांच कर्ता यानी जांच हिंदी का, और कर्ता संस्कृत का। तो ये दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, तो इनको हम संकर शब्द कहते हैं। अब बात आती है शब्दों की व्याकरणिक कोटियों की। व्याकरणिक कोटियों का संबंध मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से है, क्योंकि इन्हीं में संबंध तत्वों का योग होता है, यानी इन्हीं में संबंध तत्वों को मिलाकर हम फिर और भी शब्द बनाते हैं, और संबंध तत्वों से ही फिर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष, वृत्ति और वाच्य का बोध होता है, जब संज्ञा शब्द में या सर्वनाम में संबंध तत्व जुड़ता है। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य और वृत्ति, तो ये व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं। प्रत्येक भाषा की वैसे व्याकरणिक कोटियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, और ये काल सापेक्ष होती हैं, यानी समय के अनुसार इनका जो संख्या है वो कम ज़्यादा होती रहती है। काल क्रमानुसार कोटियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत में तीन लिंग थे और तीन वचन होते थे, तो
जबकि प्राकृत और अपभ्रंश जो कि दोनों भाषाएं संस्कृत के बाद की हैं और हिंदी से पहले की हैं, तो में आते आते दो लिंग और दो वचन शेष रह गए। तो प्रत्येक भाषा के गठन के आधार पर व्याकरणिक कोटियों का निर्माण और वर्गीकरण होता है। इसके आधार पर ही भाषा का विवेचन और विश्लेषण होता है तथा नए शब्दों के निर्माण में इनसे सहायता मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार वर्तमान समय में शब्द की 8 व्याकरणिक कोटियां मानी गई हैं, जिसमें सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब सबसे पहले संज्ञा को लेते हैं कि संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो संज्ञा के लिए नाम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, चाहे वो मूर्त हो अमूर्त हो, तो सबके लिए नाम शब्द कोई ना कोई नाम होता है। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और ये जो नाम है यही संज्ञा होती है। तो इसलिए संज्ञा शब्द के लिए नाम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ये नाम, ये जितने भी नाम है ये संज्ञा शब्द ही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है, तो उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इनको और भी अगर इसको इसके बारे में देखना है तो वो भी देख सकते हैं, जो अलग अलग भेद हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह, जो, कोई, कुछ, ये सभी सर्वनाम है। भाषा में सरलता एवं प्रभाव बनाए रखने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं या नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के समान ही विकारी शब्द होने के कारण इनमें भी कारक के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। जैसे तुमको, तुझको, क्योंकि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी जिनके रूप में परिवर्तन हो जाए, और अविकारी वो शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे परंतु है, ये शब्द अविकारी है। और संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन, जैसे मैं और तू, यह और वह, ये एक वचन है, और बहुवचन, जैसे हम, तुम, वो आदि। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे मैं, तुम, किसी के लिए या स्त्री लिंग के लिए प्रयोग करो वो भी मैं ही आएगा, पुरुष यानी पुल्लिंग के लिए करोगे तो भी मैं ही रहेगा। लिंग संबंधी जो प्रभाव वाक्य में दिखाई देता है वह क्रिया पदों से स्पष्ट होता है, क्योंकि क्रिया पद अगर वो स्त्रीलिंग है तो क्रिया पद बदलेगा, ना कि सर्वनाम। जैसे वह जाता है तो वह ही रहेगा, लेकिन जाता जाति हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए। तो सर्वनाम विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार ही इनका रूप निश्चित होता है। जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, तुम्हारी बहन, हमारा भाई, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक मैं, तुम, वे, निश्चयवाचक यह, वह, जिसमें निश्चित होता है, अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित नहीं होता, जैसे कोई, कुछ, हमें नहीं पता कौन है, क्या है, कोई। इसी तरह से निजवाचक यानी आप अपने आप के लिए, प्रश्नवाचक कौन क्या, और संबंधवाचक यानी जो सो, शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है। सबसे पहला पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं और हम आदि, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी तू, तुम, आप आदि, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी ये, वे आदि। अब बात आती है विशेषण की। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं,
या जो गुण दोषों को प्रकट करें, जैसे परिश्रमी है, भला, आलसी, पाँच, ये सभी शब्द विशेषण हैं। विशेषण के भी 6 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। इस तरह से 6 भेद किए गए हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, क्योंकि ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही लग कर उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसके गुण भी बता सकते हैं, दोष भी बता सकते हैं, आकार प्रकार के बारे में बता सकते हैं, स्वाद, गंध, काल यानी समय, स्थान, स्थिति, दिशा, स्पर्श, रंग एवं दशा, इन सब का बोध कराते हैं, तो इसलिए इनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे गुणवाचक में पहला गुण बोधक शब्द होते हैं जो गुण के बारे में बताएं, दूसरा दोष बोधक होते हैं, आकार प्रकार बोधक होते हैं, स्वाद बोधक होते हैं, गंध बोधक होते हैं, काल बोधक होते हैं, स्थान बोधक होते हैं, स्थिति बोधक होते हैं, स्पर्श बोधक होते हैं और रंग बोधक होते हैं और दिशा दशा बोधक शब्द होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार होते हैं विशेषण के। और इनके जैसे स्थान बोधक की बात करें तो बनारसी, लखनवी, चीनी, भारतीय, देशी। स्थिति बोध की बात करें तो निचला, भीतरी, ऊपरी, बाहरी। दिशा बोधक यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। स्पर्श में खुरदरा है, गर्म है, ठंडा है, कोमल है, कठोर है। रंग बोधक काला, नीला, पीला, हरा, लाल, सफेद। दशा बोधक स्वस्थ है, निरोगी है, रोगी है। इसी तरह से काल बोधक कहें तो नया है, पुराना है, प्राचीन है, साप्ताहिक है। इसी तरह स्वाद बोधक खट्टा है, मीठा है, नमकीन, कसैला। आकार प्रकार की बात करें तो गोल, नुकीला या टेढ़ा मेढ़ा, चकोर, कुछ भी, कोई भी जो उसके आकार के बारे में बताए जो शब्द। और दोष बोधक, जैसे हम किसी में दोष निकालते हैं, बहुत बेईमान है, मूर्ख है और अयोग्य है, गंदा है, पापी है, और ये इस तरह के दोष हम अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं दोष बोधक। और गुण बोधक, जैसे कोई व्यक्ति के लिए परिश्रमी है, योग्य है, बहुत ही अच्छा है, ईमानदार है, पवित्र है, दयालु है, तो इस तरह के जितने भी ये शब्द हैं ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी या संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, तो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो नीचे बिंदु हैं वो सभी आएंगे, जैसे गणना सूचक। इन शब्दों से केवल गिनती का बोध होता है, जैसे मेरे पास 50 रुपए हैं। आवर्ती सूचक, जिन शब्दों से केवल आवृत्ति का बोध होता है, जैसे मीरा राधा से दुगनी मोटी है। समुदाय सूचक, जिन शब्दों से केवल सामूहिक संख्या का बोध होता है, जैसे उन चारों को यहाँ भेज दो। क्रम सूचक, जिन शब्दों से केवल क्रम का बोध होता है, जैसे रमेश कक्षा में प्रथम आया। प्रत्येक सूचक यानी प्रत्येक, हर दिन, प्रतिदिन, हर साल आदि। तो ये सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जो ये जितने भी हैं, गणना सूचक, क्रम सूचक, ये प्रचलित संख्यावाचक विशेषण है। और देखा जाए इसके दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात आती है परिमाणवाचक विशेषण की। ये भी इसी तरह से संख्यावाचक विशेषण की तरह से ही इसके भी दो भेद किए जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन परिमाणवाचक विशेषण से संख्या या सर्वनाम की निश्चित मात्रा अर्थात माप तोल का बोध होता है, यहाँ पे गणन माप तोल का बोध होता है, तो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध, तो यहाँ पर 5 किलो यानी निश्चित है। 10 किलो दूध आटा, 10 किलो आटा, तो ये निश्चित है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन परिमाणवाचक विशेषण उसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, यानी ये निश्चित नहीं होते। जैसे कुछ, थोड़ा सा आटा, गिलास भर पानी,
तो ये परिमाण वाचक में वो आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और संख्या वाचक में वो आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर होता है, भेद दोनों के यही है, निश्चित और अनिश्चित करके। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम को हम गिन सकते हैं उनकी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं, तथा जिन्हें हम गिन नहीं सकते केवल माप तोल कर सकते हैं, या यहाँ पर एक शब्द है जिन्हें जो जिसकी वर्तनी गलत है, कृपया आप ना लिखें इस तरह से, आदा न और ये आएगा, तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते केवल माप तोल कर सकते हैं, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, तो कुछ पुस्तकें यह गणनीय है अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि पुस्तकों को गिना जा सकता है, लेकिन आगे कुछ शब्द लिखा है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। थोड़ी सी मिठाई, ये अगणनीय है क्योंकि मिठाई को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। सब बच्चे भागे, अनिश्चित संख्यावाचक, और सारी दाल भिगो दो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसी तरह से सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लग कर विशेषण का कार्य करते हैं, यानी वे सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो ये इस तरह के सर्वनाम शब्द जो हैं फिर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ संज्ञा शब्द है और उसके आगे वे लगा दिया है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसका स्कूल कहाँ है, हमारा घर दिल्ली में है, तो इन वाक्यों में वे, उसका और हमारा, ये सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लग कर उनकी विशेषता का बोध करा रहे हैं, यानी उनकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता क्या है कि बच्चे किससे खेल रहे हैं, खिलौनों से, स्कूल की बात है, दिल्ली की बात है, तो इसलिए उसकी विशेषता का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यह सभी सार्वनामिक विशेषण है। अब कुछ सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ उदाहरण रखे हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन अगर वह के बाद लड़का आ जाता है तो लड़का है संज्ञा शब्द। अब वह जो है वो लड़के के लिए आया है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का पढ़ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके साथ साथ यह नहीं वह दो, तो ये सर्वनाम है, लेकिन यह पुस्तक नहीं वह पुस्तक दो, यानी जब संज्ञा पुस्तक आ गई है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कोई आया है सर्वनाम है, लेकिन कोई के बाद आदमी आ गया, कोई आदमी आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण जो है वो हो जाएगा। इसी तरह से विशेषण की अवस्थाएं हैं, व्यक्ति वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक व्यवस्था को विशेषणों की अवस्थाएं कहते हैं। विशेषणों की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, सबसे पहली मूल अवस्था है, इसमें तुलना नहीं होती, केवल बात होती है, केवल बताया जाता है, जैसे श्याम मोटा है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। उत्तरा अवस्था, जब दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों की तुलना की जाती है, जैसे गीता रीता से अधिक होशियार है, तो यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, तो ये उत्तरा अवस्था है। तीसरी उत्तमा अवस्था, इस अवस्था में एक व्यक्ति या एक वस्तु या स्थान को अन्य सभी से, जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे राम सभी बालकों में बुद्धिमान है, तो बालक बहुत सारे हैं, उनमें राम को श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं विशेषण की। इसके बाद आती है क्रिया, तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये बहुत छोटी क्लास में ही बता दिया जाता है और फिर बड़ी क्लासों तक ही ये सब चलता है। अगर क्रिया को हम कहेंगे तो सबसे पहली पंक्ति यही होगी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रियापद किसी भी वाक्य के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि बिना क्रियापद के वाक्य पूरा कहाँ हो पाता है, तो क्रिया के बिना जो है वाक्य अपूर्ण रहता है और निरर्थक रहता है। फिर अथवा करके एक और दो लाइनों में क्रिया को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे जो शब्द किसी कार्य, घटना, अवस्था, स्थिति अथवा अस्तित्व का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं। किसी
किसी क्रिया शब्द के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है, यानी क्रिया शब्द तो बहुत सारे होते हैं, अब सब में एक शब्द अगर एक अंश सब में एक जैसा है, उसका रूप एक जैसा है, तो उसे क्रिया की धातु कहते हैं और यही क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में पढ़, पढ़ेगा में पढ़, पढ़ोगे में पढ़ चुके में पढ़, तो ये पढ़ जो है वो मूल रूप है क्रिया का, तो इस तरह से ये समान रूप से आया है, तो इसलिए पढ़ जो है वो धातु है, यानी इसको क्रिया का मूल रूप भी कह सकते हैं। कुछ क्रिया शब्द धातु में ले देकर हो जा आदि प्रत्यय जोड़कर बनाने से अपना रूप बदल लेते हैं। चल खा पी पढ़ लिख ये मूल धातु हैं, इनसे ही फिर आगे ना जोड़कर और भी शब्द बनाए जाते हैं। जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का समान रूप प्राप्त होता है, जैसे खाना, चलना, रोना, हंसना आदि। मूल धातु का प्रयोग तू के साथ आज्ञार्थक रूप में होता है, जैसे तू पढ़ तू लिख, तो हम किसी को जब आज्ञा देते हैं तो भी हम इन धातुओं का प्रयोग करते हैं। वाक्यों की सही रूप रचना के लिए क्रिया का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए लिंग वचन और कारक क्रिया की रूप रचना को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया बदलेगी, वचन एक वचन बहुवचन के अनुसार क्रिया बदलेगी, कारक यानी विभक्ति चिन्ह जो हमारे होते हैं वो भी क्रिया की रूप रचना को प्रभावित करते हैं। कर्ता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम दोनों ही क्रिया की रूप रचना को प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार क्रिया की रूप रचना होती है। सर्वनाम के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार भी क्रिया के रूप की रचना होती है, यानी उसके अनुसार भी क्रिया के रूप में बदलाव हो जाता है। अब क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के दो मुख्य भेद हैं, एक मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के फिर आगे अनेक भेद हैं। मुख्य क्रिया किसे कहें? वाक्य में क्रिया के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले क्रियापद जो है वो मुख्य क्रिया कहलाते हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर मुख्य क्रिया को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी ये भेद है मुख्य क्रिया के, जैसे पहला मूल क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये हम आगे इसकी बात करेंगे अभी इन सभी भेदों की। सहायक क्रिया, ये क्रियाएं वाक्य के व्याकरणिक अर्थ के बारे में, या यूं कहें कि क्रिया के घटित होने का समय दर्शाती हैं, यानी कब वो क्रिया घटित हुई है, कैसे वो क्रिया घटित हुई है, उसके वाच्य को भी स्पष्ट करती है, काल पक्ष को भी स्पष्ट करती है, तथा क्रिया की पूर्णता अपूर्णता या लगातार होने का बोध भी कराती है, यानी क्रिया हो भी रही है, चल रही है या पूरी हो चुकी है, इन सब का बोध जो है सहायक क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया तो गिर गया, वह हंसने लगी तो गया और लगी, ये सहायक क्रियाएं हैं जिनसे हमें क्रिया की जो समय है या उसकी जो दशा है या सब चीजों का पता चलता है। अब बात आती है मुख्य क्रिया के भेद की। तो सबसे पहला भेद है मूल क्रिया। किसी भाषा के कुछ शब्द क्रिया रूप में रूढ़ हो गए हैं और इन्हें ही मूल क्रिया कहा जाता है, जैसे खा पी चल पढ़ खेल, ये सब मूल क्रिया है, मूल रूप है। मूल क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो है वो बिना कर्म के होती है, उसमें कर्म शब्द नहीं होता और क्रिया से सूचित होने वाले कार्य व्यापार या फल का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि बीच में कर्म है ही नहीं, तो फल किस क्रिया जो घटित होगी उसका फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में कर्म है ही नहीं। तो अगर क्रिया के साथ क्या किसको दोनों लगाने से उत्तर न मिले तो क्रिया जो है वो अकर्मक होती है। जैसे चीता दौड़ता है तो क्या दौड़ता है? कुछ भी हमें नहीं मिला है। बच्चा सो रहा है, क्या सोता है? यानी बच्चे को तो कुछ नहीं करना पड़ा ना, वो सो रहा है, वह रात भर सोया। चिड़िया उड़ रही है, सीता नाचती है, नेहा खाती है, तो क्या खाती? कुछ नहीं मिलता, शब्द है ही नहीं कर्म। पूजा जाती है, गाड़ी चली, प्रिया पढ़ती है, चिट्ठी आई, मोहन खड़ा है, बच्चा नहा रहा है, तो ये सारे जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया के हैं। अब बात आती है सकर्मक क्रिया की। तो जहाँ कर्म भी हो, यानी कर्म शब्द हो,
कर्ता के साथ साथ किसी और पर भी उस क्रिया का प्रभाव पड़े, वस्तु कम या खत्म हो रही हो, तो इस तरह की के जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक क्रिया के होते हैं। और अगर क्रिया के साथ क्या या किसको दोनों लगाने से उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लोमड़ी ने अंगूर खाया तो क्या खाया? अंगूर खाया। रवि ने शशि को मारा तो क्या, किसको मारा? शशि को। समीर कार से ऑफिस गया, कव्वे ने पानी पिया, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्म शब्द बीच में है। गोविंद ने राम को जगाया, बच्चे फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म शब्द है। लोग वेद पढ़ते हैं तो वेद आ गया। अगर लोग पढ़ते हैं तो अकर्मक हो जाता है, लेकिन वेद है बीच में, किसको पढ़ते हैं? वेद को। वह खाना खा रही है, किसको खा रही है? खाने को। अंकिता ने मोनिका को जगाया, किसको जगाया? मोनिका को। मोनू रोज कॉलेज जाती है। तो इस तरह से जहां पर कर्म हो, कर्म शब्द हो, तो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे मैं पत्र लिखती हूँ, सकर्मक है, क्योंकि किसको लिख रही है, किस कौन लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया जो है उसका फल पत्र पर पड़ता है। रीता दाल पिसवाती है, सकर्मक है। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक है। राम फल खाता है, सकर्मक है। राधा रोती है, अकर्मक है। सीता गीत गाती है तो गीत आ गया, सकर्मक है। पानी बरस रहा है, बच्चा सोता है, अकर्मक है। तो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो अकर्मक है, और सकर्मक के आगे लिखा हुआ है। प्रियंका मूर्ति बनाती है, सकर्मक। किसको बनाती है? मूर्ति बीच में शब्द है। कुत्ता दौड़ रहा है, हम कॉफी पी रहे हैं, यानी पी रहे हैं, पीने किसको पी रहे हैं, किस पर फल का प्रभाव? दोनों पर, हम पर भी पड़ा और कॉफी पर भी पड़ा। लड़की सो रही है, अकर्मक। वह अपना सर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सर। तो खुजलाने का प्रभाव किस पर पड़ा? सर पर। और खुजलाता क्या है? क्रिया शब्द है। इसी तरह से सीता घूम रही है। तो ये दोनों सकर्मक और अकर्मक के कुछ उदाहरण थे। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक क्रिया, यानी जिसमें एक कर्म होता है एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होते हैं, और जिसमें दो दो कर्म होते हैं उसको हम मुख्य और गौण कर्म कहते हैं। तो वह बंदर को केला खिलाता है, ये एक कर्मक है, यानी एक ही कर्म है, बंदर को और केला, केला आ गया। और कमल कुत्ते को डंडे से मारता है, यानी कुत्ता भी आ गया, डंडा भी आ गया, कमल ने कुत्ते को डंडा मारा, तो द्विकर्मक क्रिया है। जब दोनों ही हो, यानी वाक्य में मुख्य और गौण दोनों ही कर्म हो, तो को गौण कर्म के साथ आता है, जैसे लड़के ने गधे को मारा। अब दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, भिन्नार्थक का मतलब भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मनीषा महाभारत पढ़ने लगी, यहाँ पे ड आएगा, पढ़ने लगी। पढ़ने लगी क्रिया, पढ़ना और लगना दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बना है, यानी पढ़ना और लगना दो अलग अलग हैं। मैं आपको फिर से सचेत करना चाहूंगी कि यहाँ पर पढ़ना जो है वो पढ़ने गलत लिखा है, तो आप इस तरह ना लिखें। उसके बाद नाम धातु क्रिया। यह क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, आएगा, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने सुंदर दृश्य फिल्माया, शब्द जो फिल्माया शब्द है वो नाम धातु है। बतियाना, लठियाना, अपनाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, यानी मूल धातु में आ या ना जोड़ने से चलाना प्रथम बन जाएगा और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। तो जिन क्रियाओं से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, यहाँ पर क्रियाएं गलत लिखा है, वर्तनी ठीक, इसकी आप ठीक लिखिएगा। यह क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। माँ ने दीदी से पत्र पढ़वाया, ये पढ़वाया भी ठीक लिखिएगा, प्रथम आ गया, और माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया, तो वो दो यहाँ पर आ जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया इसको हम कहेंगे। पांचवा है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने अथवा संपन्न होने वाली क्रिया को
पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। इनकी रचना धातुओं में कर या करके लगाने से होती है, जैसे सरला पढ़कर सो गई है, तो पढ़कर कर लगाकर हम इस तरह से इस वाक्य को बनाते हैं। अब बात आती है अन्य चार व्याकरणिक कोटियों की, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे बहुत तेज, धीरे धीरे, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिसको कहीं भी प्रयोग करें, किसी भी तरह से प्रयोग करें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द होते हैं। और ऐसे शब्द जो संबंध बोधक शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताया जाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्द, जैसे तक, भर, बिना, ये कुछ शब्द हैं जो ने को आदि भी होते हैं, ने संबंध बोधक या में से संबंध बोधक शब्द होते हैं। इसी तरह से समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ये भी अविकारी होते हैं। क्रिया अथवा संज्ञा की विशेषता ने बताकर ये पद और वाक्य का संबंध बताते हैं, एक दूसरे के साथ जो जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा ही जोड़ते हैं, जैसे क्योंकि बीच में लगाते हैं, यदि, जैसे, और ये जो शब्द है वो समुच्चय बोधक है। इसी तरह से विस्मयादि बोधक जो कि हर्ष, शोक या भाव सूचित करने वाले शब्द होते हैं, और ये अक्सर शुरू में लगते हैं, हाय, हे, अरे, ये ऐसे ही विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो इस तरह से हमने शब्द की रचना पर विचार किया और विभिन्न व्याकरणिक कोटियों की परिभाषाओं को स्पष्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आपको जरूर इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और हम प्रकृति की रक्षा, हमारी सुरक्षा, इसी संदेश के साथ इस आज के पाठ को खत्म करते हैं। धन्यवाद।